सो हे गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल राधा राजवंशी ब्लॉग, एंड आपका मेरे चैनल पे बहुत स्वागत है। तो अभी हम लोग निकले थे जस्ट वहाँ जो व्यू देख के आ रहे थे वहाँ से, और नेक्स्ट हमारा लोकेशन था चर्च। और सच में ऐसा चर्च हम कभी भी नहीं देखे ना सोचे थे कि इतना खूबसूरत चर्च भी है। तो कैब बुक कर लिए थे फिर से और हम लोग वहाँ पहुँच गए जहाँ हम लोग को जाना था चर्च देखने। सो है गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल राधा राजवंशी ब्लॉग, एंड आपका मेरे चैनल पर बहुत स्वागत है। तो चलिए अब हम आ गए हैं चर्च, और बहुत ही सुंदर चर्च है, दिखाते हैं आप लोग को बैक कैमरे। सो गाइज, यहाँ से इन करना होता है, उसके बाद देखिए सामने चर्च दिख रहा है, बट जाने के लिए डायरेक्ट नहीं मिलता, वहाँ टिकट काउंटर है, वहाँ जाके टिकट लेना होता है। और यहाँ बहुत ही लोग थे, बहुत अच्छा भी लग रहा था देख के, और बहुत शांति भी थी। और यहाँ गए मेरे हस्बैंड टिकट लिए, और टिकट का प्राइस है 10 रुपीज़ पर पर्सन, 10 रुपीज़। फिर यहाँ हम लोग लिए टिकट, उसके बाद गए, और यहाँ चेंज मांग रहे थे, हम लोग पास चेंज था नहीं, के लिए चेंज नहीं है। तो चलिए हम लोग बाहर आए फिर से चेंज लेने के लिए, देखते हैं कैसे मिलता है चेंज। ऐसे तो कोई चेंज देगा नहीं, तो हम लोग सोचे कि चलो गुपचुप खा लेते हैं, और इतना कॉस्टली यहाँ गुपचुप था, मतलब ऐसे हम लोग 10 का 5 या 4 खाते हैं ना अब, और ये था 20 का 4, मेरे को बहुत ज़्यादा कॉस्टली लगा। खाने के बाद पता चला कि 20 का 4 है, वरना हम तो नहीं खाते। फिर आगे हम लोग चेंज वैसे भी गुपचुप वाले भैया नहीं दिए, हम लोग को कहीं और से कराना पड़ा। पहले बोले कि दे देंगे, चेंज कर देंगे, फिर बोले कि नहीं है चेंज, तो कोई नहीं, हम लोग फिर ले लिए, उसके बाद इन किए। और देख सकते हैं कितना खूबसूरत है ये चर्च, सच में बहुत सुंदर चर्च लगा मेरे को। और बस बाहर से आप लोग को दिखा सकते हैं क्योंकि कैमरा अंदर अलाउड नहीं था, बट देखिए बाहर से ही बहुत खूबसूरत है। उसके बाद चर्च देखने के बाद हम लोग कहीं और भी गए थे, तो वो देखना मत भूलिएगा। चर्च से निकल चुके हैं, अब आए हैं लोग बगल में ही है बिरला कुछ लिखे, चलिए हल्ला हो रहा है तो बाद में बताएंगे, देखिए बैठे। तो हम लोग चर्च से निकल के बाहर बैठे थे कैब बुक करने के बाद, उसके बाद सोचे थे कि हम लोग जाएंगे इसमें, बट कैब आ गया तो हम लोग नहीं जा पाए क्योंकि हम लोग को कहीं और जाना था और वहाँ बहुत टाइम लगने वाला था। सो इसलिए हम लोग जल्दी जल्दी अपना कैब बुक करके चले गए, बट फिर भी मेरे हस्बैंड बाहर से चारों तरफ से दिखा दिए थे कि कैसा है कैसा नहीं, हमको तो बहुत अच्छा लगा, अंदर से नहीं पता कि कैसा होगा क्योंकि हम जा ही नहीं पाए थे। सो गाइज, ब्लॉग को एंड तक ज़रूर देखिएगा। यहाँ मेरे हस्बैंड टिकट लेने गए थे म्यूज़ियम का, और यहाँ अंदर बिल्कुल कैमरा अलाउ नहीं था, बट आप लोग के साथ सब कुछ शेयर करना था। बहुत लोग बोले कि हम घर बैठे आप लोग को दिखा दे रहे हैं, कोलकाता घुमा दे रहे हैं, बस ये सोच के मेरे को 60 रुपया लगा कैमरा लेके जाने के लिए। इसी से ले लेंगे, इसी से लीजिए आगे जाके कीजिए।
तो प्लीज़ इस वीडियो को ढेर सारा प्यार दीजिएगा कि ये ना लगे कि हम बस मोबाइल ले जाने के लिए 60 रुपये दिए हैं बस फ़ोटो क्लिक करने के लिए। तो यहाँ से देखिए तीनों का टिकट लगा था, एक मोबाइल जो हम निकाल सकते थे बैग से बाहर और हम दोनों का टिकट, हम दोनों का 50-50 लगा और मोबाइल का लगा 60। हमको यहाँ इतना पुराना पुराना देखने को मिला मूर्ति, बहुत अच्छा लगा। और कुछ कुछ मूर्ति समझ में नहीं आ रहा था, बट जैसे अपने जो हम लोग भगवान जी को मानते हैं वो सब मूर्ति समझ में आ रहा था। तो वो मूर्ति देखे ना पुराना पुराना सा, बहुत मतलब अच्छा लगा कि इतना पुराना सा मूर्ति रखा हुआ है म्यूजियम में। देख सकते हैं गणेश जी का, जो बहुत प्यारे लग रहे थे गणपति बप्पा, तो वही हम यहाँ देख रहे थे कब का है, तो बहुत पहले का था, बहुत पहले का। और बहुत दुर्गा माँ का भी मूर्ति बहुत ही खूबसूरत था। तो देखते रहिए ब्लॉग, बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा अच्छा चीज़ भी आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए पूरा तब समझ में आएगा और अच्छा भी लगेगा। और घर बैठे आप देख सकते हो तो बात ही अलग है, देख सकते हैं। और एक गणेश जी का मूर्ति फिर आप अंदर इन करते हो तो इस तरह का महल जैसा पूरा है। और उसके बाद हम लोग फर्स्ट फ्लोर पे जाके देखे थे, वहाँ इतना ज़्यादा सुंदर सुंदर चीज़ें था ना कि देखिए आप लोग भी देखोगे। और इतना अच्छा एकदम महल जैसा फील आ रहा था, जैसे कि हम महल में हैं। और बहुत बड़ा म्यूज़ियम था, बहुत ही ज़्यादा बड़ा। उसके बाद देखिए यहाँ पर ये बहुत सारी चीज़ें करतूसे वगैरह रखी हुई थी हर तरह की। सो गाइज, ये जो खोपड़ी होता है वो रियल मतलब पर्सन का है जो रखा हुआ है, ऐसा वहाँ बोला जा रहा था। देख के डर लग रहा था मेरे को। फिर यहाँ देखिए भारत का कुछ इस तरीके से बनाया हुआ है कि जितने भी मतलब मछली जीव ये सब हैं, बहुत मतलब अच्छे लग रहे थे, दिखा देंगे आप लोगों को। लग रहा था जैसे एकदम रियल सा है, देखिए एकदम लग रहा है ना कि अंदर रियल सा रखा हुआ है। और बहुत ही खूबसूरत भी लग रहा था देखने से, जैसे ये बर्फ़ वाला एरिया में सब रहता है ऐसा ऐसा सब वहाँ लिखा हुआ भी था और बनाया हुआ भी था। देख सकते एकदम ये रियल लग रहा है। हम इनसे बोले भी कि रियल में है क्या, तो बोले कि नहीं ऐसे बनाया हुआ है। Thank you.
फिर यहाँ देखिए दुर्गा माँ का एक मूर्ति इस तरीके से था, जो मतलब एकदम देख के बहुत अच्छा लगा। और फिर इधर ये सब जो जीव जंतु होते हैं वो थे बहुत सारा, मतलब हर एक तरह का जो बोला जा सकता है ना, हर एक तरह का जो हम कैप्चर किए हैं। और ये जो बीच में हम आप लोगों को दिखाएंगे आगे, जिसको बोलते हैं कि उसको क्या बोल रहे थे, कंकाल है, हाथी का कंकाल देख सकते हैं आप लोग, इसमें हाथी का कंकाल है और बहुत सारी चीज़ों का कंकाल यहाँ रखा हुआ था संभाल के। इसीलिए तो म्यूजियम आदमी जाता है यही सब देखने। और आप लोग को देखिए घर बैठे देख रहे हैं आप लोग, कैसा लग रहा है बताइएगा, ठीक है। और देखिए एंजॉय करिए वीडियो। और यहाँ देखिए हर मतलब ये सब इतना सुंदर लग रहा था ना, लग रहा था रियल में है वहाँ पे, ऐसा बनाया हुआ था तो लग रहा था जैसे हम लोग जाते हैं जू वगैरह में देखने, ऐसा लग रहा था। बहुत ही खूबसूरत बनाया हुआ था ये सब। चलिए ये गए हैं, ये गए हैं। ये क्या है ब्लैक वाला? हम चिट्टे जो इसे पेट समझ नहीं जाता है। अच्छा व्हेल मछली।
यहाँ जो था हर एक तरह का जो कपड़ा होता है, कपड़े का फैब्रिक बोल सकते हैं आप किस तरह का, जैसे कॉटन अलग होता है, सिल्क अलग होता है, उस तरीके का मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब क्या बोले, ऐसा ऐसा कि हमको पता भी नहीं था, वहाँ पढ़ के पता चला कि अच्छा ऐसा भी कपड़ा होता है क्या। बहुत तरह का कपड़ा यहाँ रखा हुआ था, देख सकते हैं आप लोग, हर एक तरह का साड़ी वगैरह सब कुछ। और यहाँ कोई राजा महाराजा का कपड़ा ये रखा हुआ था। फिर ये सब था, राजा महाराजा जो घर होता है, ये सब जो उनका तलवार रहता था वो सब रखा हुआ था, और बहुत ही अच्छा लग रहा था देखने में, लग रहा था उसी युग में चले गए हैं। फिर यहाँ पे जो चेस खेलते थे, पहले के लोग बहुत खेलते थे, वो रखा हुआ था। और ये जो था महाभारत में जो खेल रहे थे लोग, वो था। और फिर हम लोग यहाँ थक गए थे तो थोड़ा देर बैठे, 1 से 2 मिनट, फिर निकल गए इधर दूसरे तरफ। और यहाँ देख सकते हैं आप लोग, ये जो है क्या बॉडी बोल सकते हैं, यहाँ बॉडी रखा हुआ था। मेरे को ये समझ में नहीं आया कि रियल है या ऐसे ही बनाया हुआ है, यही बस मेरे को समझ में नहीं आया। मैं फिर एक बार बॉडी आप लोगों को दिखाऊंगी, आगे देखिएगा वीडियो में। यहाँ हर एक तरह का देख सकते हैं, सब कुछ लिखा हुआ था कुछ कुछ, और देख सकते हैं ये बॉडी रखा हुआ था जो ह्यूमन बॉडी है, जो मरने के बाद ऐसा हो जाता है इस तरीके से। तो वही मेरे को समझ में नहीं आया, कोई जानता होगा तो ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि रियल है क्या। तो फिर हम लोग यहाँ से देख के म्यूजियम से बाहर निकल गए थे, और बहुत सारी चीज़ कैप्चर नहीं किए, मेन मेन चीज़ कैप्चर किए। फिर यहाँ बाहर आके फिर हम लोग सोचे कि कुछ खा लेते हैं, क्योंकि भूख बहुत तेज़ लगी हुई थी। तो फिर हम लोग यहाँ पे खाएं बिरयानी खाएं, और फिर हम लोग यहाँ से निकल गए थे। और यहाँ का बिरयानी बहुत अच्छा था, और हम एक बिरयानी खाए थे, और मेरे हस्बैंड जो भी खाए थे, पता नहीं कौन सा खाए थे, मतलब नॉन वेज ही था। फिर ये होटल बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था, देख सकते हैं। और बाद में मेरे को पता चला कि ये बहुत मतलब अच्छा होटल है, मेरे को पहले नॉर्मल ही लगा था, बट आप लोग शायद नाम देख के समझ जाएंगे कि अच्छा होटल है। तो यहाँ फिर सब कुछ देखिए, पीछे वही मेरे हस्बैंड दिखा रहे थे कि यहाँ हीरो हीरोइन का जो फ़ोटो लगा हुआ है वो भी ले लो, बहुत ही अच्छा लग रहा था जो लगा हुआ था इस तरीके से। और देख सकते हैं ये नाम है होटल का, और इस तरीके का होटल है यहाँ। और हम लोग ना यहाँ पे, वहाँ पे होटल है, हम लोग न्यू मार्केट गए थे कोलकाता में शॉपिंग करने के लिए, बट उसका हम वीडियो नहीं बनाया, क्योंकि शॉपिंग का क्या वीडियो बनाएं, वहाँ पे लग रहा था कि बस शॉपिंग करें और आएँ। इसलिए फिर यहाँ वहीं पे हम लोग खाना भी खाए थे, म्यूजियम से निकलने के बाद डायरेक्ट हम लोग शॉपिंग के लिए गए थे, बगल में ही था, और फिर वहीं पर हम लोग खाना खाए और उसके बाद आ गए अपने होटल में। तो गाइस कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और आप लोगों को बिरयानी पसंद है या नहीं वो बताइएगा। तो चलिए वीडियो का एंड करते हैं, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, बाय बाय।